देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश अपना 15 अगस्त को 77वां आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस दिन हर एक देशवासी आज़ादी के जश्न को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। स्कूल कॉलेजों से लेकर शिक्षण संस्थाओं, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में आज़ादी के जश्न को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज़ादी के जश्न में अब 2 दिन ही शेष बचे हैं। जगह जगह देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल कर आज़ादी के जश्न को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दिन हमारे देश के उन वीर जवानों की शहादत को भी याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। इन्हीं देशभक्तों की याद में देश वीर जवानों की शहादत को नमन कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली की मंडोली जेल परिसर के अंदर कार्यरत RAF 139 बटालियन की तरफ से झंडा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह साइकिल रैली नंद नगरी, सुंदर नगरी, हर्ष विहार, मंडोली आदि क्षेत्रों से निकलती गई। रैली में शामिल देशभक्ति और भारत माता के जयकारे लगाते बटालियन के जवान और अधिकारीगण नजर आए। इस झंडा साइकिल रैली में सड़क पर चल रहे आम लोगों ने भी हिस्सा लिया और भारत माता के जयकारे लगाए। RAF 139 बटालियन के कमांडेंट श्री अनिल कुमार ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा की भावना से प्रेरणा लेते हुए झंडा साइकिल रैली अभियान चलाकर यह संदेश दिया गया कि प्रथम देश आगे है। देशभक्ति की भावना लोगों के मन में जागरूक कर आज़ादी का यह पर्व मनाया जा रहा है। इस भव्य साइकिल रैली में बटालियन के कार्मिकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र की जनता को ये संदेश दिया कि देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन कर हम यह संदेश दे रहे हैं कि देशवासी अपने घरों पर तिरंगा लहराएँ और देश को आगे बढ़ाएँ। सिटी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। से हम सभी जानते हैं कि अब देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसे कि अमृतकाल की मुहिम चली हुई है, उसी के अंतर्गत अभी हर घर तिरंगा मुहिम और उसके साथ साथ मेरा देश मेरी माटी मेरा देश एक मुहिम है जिसके अंतर्गत हम सभी मिलके अपने जो आसपास के माहौल है उसको भी प्रेरित करना चाह रहे हैं कि वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो। और जैसे आपने देखा इस रैली के दौरान जो हमने यहाँ से नंद नगरी से शुरू करते हुए सुंदर नगरी, दिलसाद गार्डन, ज्योति नगर और मटका चौक से होते हुए हर्ष विहार, मंडोली जेल का पीछे वाला एरिया, बैंक कॉलोनी और हर्ष विहार में हमने निकाली, तो आपने देखा किस तरीके से लोग हमारे साथ मोटिवेट हुए और सभी ने इस रैली में सहयोग दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा यदि हम सभी प्रयास करेंगे तो देश के प्रत्येक कोने में हर गांव के हर नागरिक तक ये संदेश पहुंचेगा कि हम किसी भी विपत्ति में किसी भी जो विपत्ति या खुशहाली में हम सभी एक साथ खड़े हैं और देश के सभी कार्यों में हम आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। इसी श्रृंखला में आज 139 ने भी अपने एरिए के माहौल को प्रेरित करने का काम किया है जिसमें हमारे सभी साथियों ने हमारे सभी कार्मिकों ने इस गर्मी में भी साथ दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से एरिए को कवर किया और सभी लोगों को मोटिवेट किया है। जी यही हमारा मोटो है कि सभी तिरंगे के विषय में जाने और इसको अपना मानते हुए अपना देश का प्रतीक मानते हुए इससे अपने को जोड़ें जिससे कि देश के में होने वाली प्रत्येक स्थिति प्रत्येक खुशहाली के लिए वो अपने को संबद्ध कर सके। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मोटो है कि सभी नागरिक
अपने देश के प्रति समर्पण है और देश को अपना मानते हैं, उसके साथ जुड़े रहें हर स्थिति में।